हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर हमने स्पेशली बीटेक एमसीए एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ये मॉडल पेपर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर के हेल्प से बनाया है अगर ये मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं देन आपको हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे ये पेपर हमने एकेटीयू के फॉर्मेट में बनाया है एकेटीयू के फॉर्मेट में थ्री सेक्शन होते हैं सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन टू मार्क्स का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे टेन होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इट इज़ नॉट मैनुफैक्चर्ड इन क्लासिकल सेंस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है मैनुफैक्चर नहीं किया जाता है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट यहाँ पे देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कर्व ड्रॉ किया गया है फेल्योर रेट एंड टाइम में तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर का फेल्योर रेट गिरता है फिर उठने लगता है और ये फिर एक टाइम के बाद वियर आउट हो जाता है लेकिन सॉफ्टवेयर का फेल्योर रेट गिरता है फिर कुछ समय के बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट रादर देन बीइंग असेंबल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच वी कैन नॉट टच एंड हुज क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड अंटिल द होल प्रोडक्ट इज चेक्ड तो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा आप इसके ये फोर कैरेक्टरिस्टिक को लिख देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। answer is software process is defined as a structured set of activities that are required to develop the software system next question is what do you mean by srs srs stand for software requirement specification srs is a communication tool between stakeholder and software designer the srs is a specification for a particular software product program or set of programs that perform सर्टेन फंक्शन इन अ स्पेसिफिक एनवाइ ये क्वेश्चन टेन मार्क्स में भी मैक्सिम टाइम पूछा जाता है इसके आने की प्रॉबिलिटी सबसे ज्यादा प्रोसेस आर एज फॉलोज फर्स्ट वन इज अंटरव्यू सेकेंड वन इज अ ब्रेन स्टॉमिंग थर्ड वन इज द फेसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक

सिंगल मॉड्यूल इन कपलिंग कपलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ इनडिपेंडेंस मॉड्यूल्स सेकेंड डिफरेंस है इनसन हाई कोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंसिएट बिटवीन अ सॉफ्टवेयर मेजर एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स तो फर्स्ट डिफरेंस है अट्टवेयर मेजर इज डिफाइंड एज अ क्वान्टिटिव इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंड अमाउंट डायमेंशन और साइज ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेस प्रोसेस एट्रीब्यूट सेकेंड है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पोस्ट रिलीज क्वालिटी सॉफ्टवेयर मेजर का एग्जाम्पल है और सॉफ्टवेयर मैट्रिक का एग्जाम्पल है फंक्शन पॉइंट रिलीज टू प्रोडक्शन

नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंसिएट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन वेरिफिकेशन फर्स्ट डिफरेंस इज एम आई बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट एंड इन वैलिडेशन एम आई बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट ये सबसे मेन डिफरेंस होता है सेकेंड डिफरेंस है वेरिफिकेशन इज अ स्टैटिक प्रैक्टिस of verifying documents design code and program in validation validation is a dynamic mechanism of validating and testing the actual product in verification it does not involve executing the code in validation it always involve executing the code in verification it is low level activity

and effective in software reverse engineering the purpose of reverse engineering is to facilitate maintenance work by improving the understandability of a system next question is right difference between a top down and bottom up approach top down design proceeds from the abstract entity to get to the concrete design bottom up design proceeds for the concrete design to get to the abstract entity. Top-down design is most often used in designing brand new system. Bottom-up design is sometimes used when one is reverse engineering a design. When one is reverse engineering a design, top-down approach starts with the top-level module and progresses downward to the. लेवल मॉड्यूल बॉटम अप अप्रोच प्रोसीड्स विद द डिजाइन ऑफ लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल और सब सिस्टम टू द हाइस्ट मॉड्यूल और सब सिस्टम टॉप डाउन में हम मॉड्यूल को डिवाइड करते जाते हैं बॉटम अप में हम छोटे छोटे मॉड्यूल को कंबाइन करके बड़ा मॉड्यूल बनाते हैं बॉटम अप में हम छोटे छोटे मॉड्यूल को कंबाइन करते हैं तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया है नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा सेक्शन बी सेक्शन बी में टोटल फाइव क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन टेन मार्क्स का होता है और कोई थ्री क्वेश्चन आपको अटेम्प करने रहते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस तो यहाँ पे हमने एक चार्ट के थ्रू डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे इश्यूज लिखे हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है एंड ये कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है कन्वेंशनल में ये हमारा बेस्ड ऑन साइंस मैथमेटिक्स एंड एंड एम्प्रिकल नॉलेज होता था नेक्स्ट डिफरेंस इज कंपाइलर एंड कंप्यूटर आर चीप सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग ऑफ एन मोर देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट are high so conventional engineering may only be 15% of the cost of a project next difference is often new and untested elements are applied in software projects in conventional only known and tested principles are applied and untested innovations are used only if necessary to meet product requirement next difference is replication is trivial most development effort goes into building new or changing old design to add new features. In conventional, changing old design and creating new design requires significant development effort. Next difference is few software engineers manage anyone. In conventional, many of conventional engineering manage construction, manufacturing, or maintenance crew. सो दे ऑल आर ट्रीटेड एज मैनेजर्स सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ वेरियस लेवल ऑफ डी एफ टी फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कई बार एग्जामिनेशन में डीएफडी को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है तो सबसे पहले हम डी एफ टी की डेफिनेशन देख लेते हैं डीएफटी स्टैंड फॉर डेटा फ्लो डाइग्राम डेटा फ्लो डाइग्राम इज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिस मॉडलिंग दैट हेल्प्स इन शोइंग द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन एक्सटर्नल इंटिटीज प्रोसेस एंड डेटा स्टोर विद इन अस्टम इट इज अ स्ट्रक्चरड एनालिसिस टेक्निक विच इज़ यूज टू इंक्रीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी जब भी हम किसी डी एफ डी को ड्रॉ करते हैं देन हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एंड वो हमारे रूल्स होते हैं First one is the data cannot flow between two entities. Second one is the data cannot flow between two data stores. Third one is the data cannot flow directly from an entity to data store. Fourth one, a process must have at least one input data flow and one output data flow. Fifth one, a data store must have at least one input data flow and one output data flow. नेक्स्ट हमको यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम बनाना था लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए देन एस में दो प्रोसेस हमारे होंगे फर्स्ट होगा डिलीवरी अ बुक एंड सेकेंड होगा हमारा सर्च बाई टॉपिक तो डिलीवरी अ बुक में फर्स्ट होगा यूजर रिक्वेस्ट अ बुक रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डेटा थर्ड वन इज द बुक इश्यू एंड अपडेट द लिस्ट सर्च में होगा यूजर रिक्वायर्स अ टॉपिक सेकेंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड थर्ड होगा डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टाइटल्स विच आर रेफरिंग दैट टॉपिक तो जब भी आप डीएफटी बनाएंगे ये दोनों प्रोसेस को पहले लिख देंगे इसके बाद इसका डीएफडी ड्रॉ करेंगे फर्स्ट है डिलीवर अ बुक सेकेंड वन इज द सर्च बाय टॉपिक्स तो यहाँ पे देखिए हमारा डीएफडी बना हुआ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का ये डिलीवर्ड अ बुक के लिए है यहाँ पे देखिए बुक रिक्वेस्ट बाई यूजर है और देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा प्रोसेस सर्च बाई टॉपिक और यहाँ से हमारा डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ टाइटल आया हुआ है तो जब भी डी एफ डी ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम पूछेगा तो आप इसको बना के आएंगे आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए देन एग्जामिनेशन में आपके लिए ईजी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कपलिंग एंड इट्स टाइप मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में कपलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो पूछता है कपलिंग एंड कोहेशन में डिफरेंस या या फिर type, या फिर कपलिंग एंड एंड इसके इसके टाइप कोहेशन टाइप्स के बारे में पूछता है तो सबसे पहले कपलिंग के डेफिनेशन देख लेते हैं कपलिंग इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स टू मॉड्यूल्स दैट आर स्ट्रांगली कनेक्टेड हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड हाईली कपल्ड मॉड्यूल सपोज करिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें कई सारे मॉड्यूल हैं तो हमारे मॉड्यूल एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं कैसे डिपेंडेंट हैं कैसे स्ट्रांगली कनेक्टेड है ये हमारा कपलिंग के थ्रू डिसाइड होता है देन हमारा थर्ड है व्हेन टू मॉड्यूल्स हैव वीक इंटरकनेक्शन बिटवीन देम देन दे आर कॉल्ड लूजली कपल्ड मॉड्यूल फोर्थ वन इज कपलिंग इनक्रीज विथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरफेस नेक्स्ट देखिए एक फिगर बना हुआ है इस फिगर को आप एग्जाम में जरूर बना के आएंगे द प्रोरिटी ऑफ कपलिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट लेवल तो इस फिगर को एग्जाम में आप जरूर बताएंगे इस फिगर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं हमारे कपलिंग सिक्स टाइप के होते हैं डेटा कपलिंग स्टैम्प कपलिंग कंट्रोल कपलिंग एक्सटर्नल कपलिंग कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग तो यहां पे डेटा कपलिंग हमारा सबसे अच्छा होता है इसलिए देखिए यहां पे बेस्ट लिखा हुआ है और कंटेंट कपलिंग हमारा वर्स्ट होता है इट मीन ये नीचे से ऊपर की तरफ बेस्ट होता जाएगा ये वर्स्ट होगा ये उससे अच्छा होगा एंड ये सबसे अच्छा होगा तो एग्जामिनेशन में जब भी आएगा आप इस स्पीकर को जरूर बना के आएंगे तो चलिए अब सिक्स टाइप के कपलिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट वन इज डेटा कपलिंग डेटा कपलिंग इज वेन मॉड्यूल पासेज फ्रॉम नॉन ग्लोबल वेरिएबल टू अनादर मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल कैन ओनली कम्युनिकेट थ्रू पासिंग डेटा एलिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन फ्लैग द टू मॉड्यूल्स हैव नो नीड टू नो वट गोज ऑन इनसाइड द अदर मॉड्यूल इट मीन्स दूसरे मॉड्यूल में क्या चल रहा है डेटा कपलिंग से इससे कोई मतलब नहीं होता है सेकेंड कपलिंग इज स्टैंप कपलिंग स्टैम्प कपलिंग अकर्स वेन मॉड्यूल्स पासिस from non-global data structure or, or entire structure to another module a change in data structure in one module will affect all module that use it the two modules using stamp coupling must have some knowledge of the internal working of other modules that use the same data structure third one is the control coupling if there are two modules A and B then module A and B are said to be control coupled if they communicate by passing of control information the sending module must know a great deal about the inner working of the receiving module next one is the external coupling a form of coupling in which a module has a dependency to other module external to the software being developed or to a particular type of hardware this is basically related to the communication to external tools and devices next one is the common coupling in common coupling both module a and b share the same data with common coupling it can be different to determine which module is responsible for having set of variable to a particular value it is not a good type of coupling because if we want to modify the data, then we have to check all modules who are sharing the data. Next, hamara content coupling. Content coupling occurs when one module directly refer to the inner working of another module. Modules are highly interdependent to each other. One module can alter data in other module or change a statement code in other module. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट टेस्टिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर एक पूछता है तो सबसे पहले टेस्टिंग के डेफिनेशन देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंशन Of finding error in the code. Testing एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कोड में एरर को फाइंड आउट करते हैं इट इज अ प्रोसेस टू वेरीफाई दैट वेदर अ सिस्टम और इट्स पार्ट इज सेटिस्फाइंग स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और नॉट नेक्स्ट अब ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देख लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी मीनस द कन्फर्मेंस to the specified software design requirement the minimum requirement of quality means performing as required user specified circumstances software testing is not only used to remove bugs but also to find out design defect by the programmer next one is the verification and validation verification means to test that we are building the product in right way that is we are

विथ मेनी आस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द फेलोर डेटा ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस आर टेकन डाउन इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी तो जब भी एग्जाम में आएगा आप इसके ये तीन ऑब्जेक्टिव को लिख देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वाई इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फिफ्थ यून से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अदर एट्रीब्यूट और टू एडॉप्ट द प्रोडक्ट टू अ मोडिफाइड इन्वामेंट सपोज करिए हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है डिलेवर्ड हो चुका है डिलेवर्ड होने के बाद अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है हमको कोई फॉल्ट मिल जाता है या कोई इम्प्रूवमेंट करनी है देन वो हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस कहलाता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सिस्टम आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज क्वाइट हाई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस अकाउंट्स मोर देन 65 परसेंट कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट नाउ अब हम देख लेते हैं नीड ऑफ मेंटेनेंस मेंटेनेंस के वेरियस नीड होते हैं पहला है हमारा बग फिक्सिंग सेकेंड होता है कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट थर्ड होता है रिमूवल ऑफ आउटडेटेड फंक्शन फोर्थ होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो जब भी आपको नीड के बारे में लिखना होगा ये चार पॉइंट दे करके तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस फर्स्ट वन इज अ परफेक्टिव मेंटेनेंस इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल फिगरिंग द नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस सच एज इम्प्रूविंग एक्सेस टाइम टू डेटा स्पीड एट विच रिपोर्ट आर प्रोड्यूस्ड सेकेंड होता है करेक्टिव मेंटेनेंस इट इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग बर्स इन द सॉफ्टवेयर विच वेयर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग नेक्स्ट होता है एडोप्टिवेंटेनेंस इट इज रिक्वायर्ड वेन सॉफ्टवेयर में नीड टू बी चेंज इंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है सेक्शन सी सेक्शन सी में हमारे टोटल फाइव क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन के लिए टेन मार्क्स एलोकेटेड होते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वॉटरफॉल मॉडल विथ ऑल द फेज राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल तो सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल देख लेते हैं वाटरफॉल मॉडल इज अ सिक्वेंशियल मॉडल दैट डिवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टू डिफरेंट फेजेज एस टी एल सी का मॉडल है एस डी एल सी मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन वाटरफॉल मॉडल प्रोग्रेस इज सीन एज स्टीडली डाउनवर्ड्स लाइक अ वाटर थ्रू द फेजिस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एग्जामिनेशन में आप डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे पहला फेज हमारा होता है फिजिबिलिटी स्टडी इट मीन हमारा सिस्टम फिजिबल है कि नहीं सिस्टम बनना पॉसिबल है या नहीं इट मीन्स जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो बन सकता है या नहीं इसी में पहला फेज़ में ही हमारा एक और फेज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन इट मीन्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया सेकेंड फेज़ होता है सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं डी एफ डी फ्लोचार्ट को ड्रॉ करते हैं थर्ड हमारा फेज़ होता है कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग इट मीन्स फोर्थ वाले में हम कोडिंग को लिखते हैं कोड को डेवलप करते हैं फोर्थ फेज हमारा होता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग फोर्थ फेज़ में हम डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग करते हैं एंड फिफ्थ फेज़ हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस तो जब भी एग्जाम में आएगा इस फीगर को आप ज़रूर बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अब आपको फिगर बनाने के बाद एक एक फेज को एक्सप्लेन करना है सबसे पहले आप फिजिबिलिटी स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे इट मीन्स हमारा सिस्टम फ़िज़िबल है या नहीं इट मीन्स बन सकता है या नहीं रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में आप लिखेंगे थर्ड होता है सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग फेज इट मीन्स इसमें आप एस आर एस को डेवलप करेंगे फोर्थ हमारा होता है कोडिंग एंड मॉड्यूल टेस्टिंग इसमें हम कोड को डेवलप करते हैं फिफ्थ हमारा होता है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग इट मीन्स यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग करते हैं हमारे मेन टेस्टिंग दो तरीके के होते हैं अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग डेवलपर के थ्रू किया जाता है और बीटा टेस्टिंग हमारा एंड यूजर के थ्रू किया जाता है तो ये भी क्वेश्चन टू मार्क्स में हमेशा पूछता है और इस फेज के बाद हमारा इंटीग्रेशन रिपोर्ट जनरेट हो जाता है लास्ट फेज हमारा होता है इंप्लीमेंटेशन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इट मींस हमारा सिस्टम अगर बन चुका है तो उसको डिप्लॉय करना और उसके पास जो इंप्रूवमेंट होता है जो बक्स आते हैं उसको दूर करना वो हमारा मेंटेनेंस कहलाता है नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज ईजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेज This model is suitable for small projects. It is linear sequence model. It works in a flow step by step. Highly visibility because output of each phase is generated from the next phase. It provides more flexibility. This model provides better documentation for the employee. Low cost. लास्ट वन इज द इट इज ईजी टू मेनटेन वाटरफॉल मॉडल देखिए हर एक स्टेप हमारा जैसे वाटर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है उसी तरीके से ये हमारा वाटरफॉल मॉडल वर्क करता है इसीलिए हम इसको वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल दिस मॉडल डज नॉट वर्क वेल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट वी कैन नॉट गो बैक एट प्रीवियस फेज टू चेंज एनी थिंग और एनी रिक्वायरमेंट इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट देन इट इज हार्ड टू चेंज द रिक्वायरमेंट लास्ट वाई रिस्क टू मेक अ प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्पायरल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एंड डिस्कस वेरियस एक्टिविटीज इन ईच फेज तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्पायरल मॉडल होता क्या है द स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ इंटरक्टिव डेवलपमेंट विद द सिस्टमैटिक कंट्रोल आस्पेक्ट ऑफ द वॉटरफॉल मॉडल The spiral model is a combination of attractive development process model and sequentially linear development model, that is, the waterfall model, with a high emphasis on risk analysis. It allows incremental release of the product or incremental refinement through each iteration around the spiral. A spiral model has फॉलोइंग फोर फेजेज स्पायरल मॉडल में फोर फेजेस होते हैं फर्स्ट फेज होता है प्लानिंग फेज सेकेंड होता है रिस्क एनालिसिस फेज थर्ड होता है इंजीनियरिंग फेज एंड फोर्थ होता है हमारा इवेल्युएशन फेज एग्जामिनेशन में जब भी आप एग्जामिनेशन में जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा आप ये फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे देखिए पहला प्लानिंग फेज है दूसरा रिस्क एनालिसिस फेज है तीसरा इंजीनियरिंग फेज है एंड फोर्थ हमारा इवेलुएशन फेज़ है तो देखिए स्पायरल बाइंडिंग कॉपी में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे हमारा एक फेज में ये पूरा जैसे साइकिल कंप्लीट हुआ हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है अब उसमें जो कमी होगी या जो भी हमारी दिक्कत होगी सेकंड में हम उसको एनालिसिस करके फिर दूर करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल भी होता है इट मीन्स हर एक कंप्लीट साइकिल के बाद एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं उसमें जो कमी होती है उसकी रिस्क एनालिसिस करते हैं देन सेकेंड फेज में हम उसका इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो जब भी एग्जामिनेशन में आएगा इस फिगर को आप जरूर ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट आप एक्टिविटीज ऑफ स्पाइनल मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे प्लानिंग फेज में हमारा रिक्वायरमेंट गैदर किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी होती है रिव्यू एंड वॉक थ्रू टू स्ट्रीम लाइन द रिक्वायरमेंट होता है सेकेंड फेज में रिस्क एनालिसिस होता है रिक्वायरमेंट आर स्टडीज एंड ब्रेन स्टॉमिंग सेशन आर डन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क वंस द रिस्क आर आइडेंटिफाइड रिस्क माइग्रेशन फाइनलाइज्ड थर्ड इंजीनियरिंग होता है एक्चुअल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक प्लेस इन दिस फेज। फोर्थ हमारा इवैल्यूएशन होता है कस्टमर इवैल्यूएट द सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड देयर फीडबैक एंड अप्रूवल तो इस तरीके से हमारा स्पाइरल मॉडल वर्क करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आई ट्रिपल फॉर एस आर एस एस आर एस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो सबसे पहले हम एस आर एस के बारे में जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एस आर एस डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द सिस्टम एनालिस्ट हिमसेल्फ ही इज ऑफन गाइडेड बाय द पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द इशूज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट बींग डेवलपमेंट There are three basic issues that our SRS document should discuss are first one is the functional requirement second one is the non functional requirement and third one is the guidelines for system implementation then important issue of organization without developing the SRS document the system would not be implemented according to the customer need software developer would not know whether what they are developing is what exactly required by the customer? Without SRS document, it will be different for the maintenance engineer to understand the functionality of the system. Fourth one is that it will be different for user document writers to write the user manual properly without understanding the SRS document. तो जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसका एस आर एस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ईजली जो यूजर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली बन सके नेक्स्ट वन इज़ द आई ट्रिपल स्टैंडर्ड फॉर एस आर एस आई ट्रिपल स्टैंडर्ड ऑफ एस आर एस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसके अंदर पर्पज डॉक्यूमेंट कन्वेंशन इंटेंडेंट ऑडियंस एडिशनल इंफॉर्मेशन कंटेंट इंफॉर्मेशन एस आर एस टीम मेंबर्स एंड रेफरेंस को लिखते हैं सेकेंड होता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं थर्ड हमारा होता है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट फोर्थ हमारा होता है सिस्टम फीचर्स एंड फिफ्थ हमारा होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है कंप्लीट एस आर एस मस्ट बी कंप्लीट सेकेंड होता है कंसिस्टेंट इट मीन इट मस्ट बी रिलायबल होता है एक्यूरेट फोर्थ होता है मॉडिफिएबल इट मीन जब भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े हम इसको इजिली मॉडिफाई कर सकें फिफ्थ वन इज द वैलिड एंड वन इज द सिक्सिबल अगर एग्जामिनेशन में आपको एडवांटेज ऑफ फॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पूछता है देन ये पॉइंट भी आप लिख करके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन गिव इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशन आई से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है तो सबसे पहले आई 9000 सर्टिफिकेशन जान लेते हैं आई 9000 सर्टिफिकेशन इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस टू हेल्प कंपनीज टू मेंटेन एन एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम आई 9000 स्पेसिफाई अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिपीटेबल एंड हाई क्वालिटी डेवलपमेंट आई 9000 स्टैंडर्ड इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस

सेकेंड होता है आई एस ओ नाइन थाउजेंड टू दिस अपलाई टू दोगनाइजेशन विच डू नॉट डिजाइन प्रोडक्ट्स बट आर ओनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन थर्ड वन इन द आई एस ओ नाइन थाउजेंड थ्री दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व ओनली इन इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट उसके बाद अब बेनिफिट्स ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड एंड लिमिटेशन ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड सर्टिफिकेशन को भी लिख सकते हैं बेनिफिट्स होते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट second eliminate verification higher real and Precise quality boost employee moral improved customer satisfaction limitation it, it does not automatically lead total quality management continuous improvement it does not provide any guideline for defining an appropriate process it is not full proof and thus verification in the certification norms may exist.

ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं सेकेंड हमारा होता है डिवाइडिंग अ एक्टिविटीज विद्यूल नेक्स्ट टाइप ऑफ है फंक्शनल ऑल एक्टिविटीज इन द मॉड्यूल आर फंक्शनली रिलेटेड और दे आर परफॉर्मिंग चेंज रिक्वेस्ट अफेक्टेड मोर देन वन मॉड्यूल आर लो If the modules are based on functionality, hence this is the best form of cohesion. Second, hota sequentially cohesion. In this scheme of cohesion, modules are divided into a series of activities such that the output of one module becomes the input to the next module and the chain continues. Third, hota communicational cohesion. This form of cohesion relates to a situation where all modules share some common data. फॉर्म ऑफ कोहेशनरलीफाइंड बाउंड्रीज इनपुट एंड आउटपुट फोर्थ हमारा होता है कोहेशन इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन फिफ्थ होता है हमारा टेम्पोरल इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूल डिविजन एक्टिविटीज अकरिंग इन द सेम पीरियड आर ग्रुप्ड टूगेदर द सेट ऑफ पंसन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशलाइजेशन स्टार्टअप एक्टिविटीज सच एज सेटिंग प्रोग्राम और कंट्रोल फ्लैग एसोसिएटेड विद प्रोग्राम एग्जिबिट कोहेशन नेक्स्ट हमारा होता है लॉजिकल कोहेशन इन लॉजिकल कोहेशन एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी आर ग्रुप टुगेदर वी कैन ग्रुप ऑल रिपोर्टिंग एक्टिविटीज टुगेदर और टूगेदर लास्ट हमारा सेवन टाइप होता है कोइंसिडेंटल कोहैशन कोइंसिडेंटल कोहेशन एग्जिस्ट इन द मॉड्यूल दैट कंटेंस इंस्ट्रक्शंस डेट हैव लिटिल और नो रिलेशनशिप टू वन एन अदर कोइंसिडेंटल कोहेशन इज टू एवॉयडेड एज फॉर एज पॉसिबल देखिए जैसे हमने कपलिंग का फिगर बनाया था वैसे ही क्वेशन का यहाँ पे फिगर बना हुआ है यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ क्वेशन है फंक्शनल क्वेशन हमारा हमेशा हाई होना चाहिए एंड इंसिडेंटल क्वेश्चन हमारा वर्स या लो होना चाहिए तो ये इसका सिक्वेंस है आप एग्जामिनेशन में इसको जरूर बना के आएंगे तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लोएस्ट टू हाई लेवल दिखाया गया है नेक्स्ट कई बार एग्जामिनेशन में डिफरेंस भी पूछता है क्वेश्चन कपलिंग में सो so, यहाँ पे हमने टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल कपलिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल कपलिंग रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स क्वेश्चन डिपिक्ट The module's relative function strength. Coupling depicts the relative independence among modules. Increase in cohesion is good for software. Increase in coupling is bad for software. High cohesion gives the best software. Loose coupling gives the best software. In cohesion, module focuses on the single thing. In coupling, module are connected to the other modules.

तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है ये हमारा इंड यूजर के थ्रू किया जाता है इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द टेस्टर डू नॉट नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल ही टेस्ट ओनली फॉर इनपुट आउटपुट बिहेवियर इट इनेबल्स द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डिराइव सेट्स ऑफ इनपुट कंडीशन दैट विल फुल एक्सरसाइज ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोग्राम द सेलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट Without knowledge of its inner structure, it is also important to design test cases that demonstrate the behavior of the test object or erroneous input data. The black box testing is also known by the name of functional testing, exterior testing, specification testing, data driven testing, and input output driven testing. इट मीन्स देखिए यहाँ से जो इंड यूजर होगा वो इनपुट करेगा उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा और वो आउटपुट जो आएगा उसको चेक करेगा कि वो करेक्ट आ रहा है या नहीं इट मीन्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो जो टेस्ट कर रहा है उसको पता नहीं होता है सेवेंथ इज द टेस्ट शुड बी डिराइव विच रिड्यूस द नंबर ऑफ एडिशनल टेस्ट केस दैट मस्ट बी डिजाइन टू अचीव रिजनेबल टेस्टिंग

White box testing is the software testing method in which internal structure is being known by known to tester who is going to test the software. In black box testing, this type of testing is carried out by testers. In white box testing, this type of testing is carried out by software developer. In black box testing, implementation knowledge is not required to carry out black box testing. In white box testing implementation knowledge is required to carry out white box testing in black box programming knowledge is not required to carry out black box testing in white box testing programming knowledge is required to carry out white box testing in black box the main aim of this testing is to check what functionality is performed by the system under test in white box the main aim of white box testing is to check how system is performing in black box testing is applicable on higher level of testing like system testing acceptance testing in white box testing is applicable on lower level of testing like unit testing integration testing in black box testing black box testing means functional test or external testing white box testing means structural test or interior testing next question is डिफ्रेंसिएट बिटवीन फंक्शनल ओरिएटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन जान लेते हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन इज द रिजल्ट ऑफ फोकसिंग अटेंशन टू द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम दिस इज बेस्ड ऑन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज बेस्ड ऑन एट्रेटिव प्रोसेजरल डिकम्पोजिशन स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज अ टॉप डाउन स्ट्रेटजी वेयर अ प्रोग्राम इज रिफाइंड as a hierarchical of increasing levels of detail we start with high level description of what the program does then in each step we take one part of our high level description and refine it refinement is actually a process of elaboration the process should proceed for a highly conceptual model to lower level details the refinement of each module is done until we reach the statement level of programming languages Next object oriented design object oriented design is the result of focusing attention not on the function performed by the program but instead on the data that are to be manipulated by the program object oriented design begins with examination of the real world things that are part of the problem to be solved these things are characterized individually in terms of their attributes and behavior each object maintains its Owned state and offers a set of services to other objects. Object communicate by message passing. Object oriented technology fo following three key aspects. First one is the objects. Software package are designed and developed to correspond with real world entities that contains all the data and services required to function as their associated entities message. नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मैकेनिज्म आर एस्टेब्लिस्ड दैट प्रोवाइड द मीन्स बाय विच ऑब्जेक्ट वर्क टुगेदर लास्ट थर्ड वन इज द मेथड मेथड आर सर्विसेज दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्म टू स्पेसिफाई द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स थ्रू मैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस टेस्टिंग देख लेते हैं Acceptance testing is a label of software testing where a system is tested for acceptability. Acceptance testing is performed to determine whether or not the software system has met the requirement specification. The purpose of this test is to evaluate the system's compliance with the business requirements and assess whether it is whether it is acceptable for delivery. Now, need of acceptance testing. Acceptance testing is needed due to following reasons. First, developer code software based on requirement document, which is their own understanding of the requirements and may not actually be what the client needs from the software. Requirement change during the course of the project may not be communicated effectively to the developers. Next one is the regression testing. Regression testing is defined as a type of software testing to confirm that a recent program or code change has not affected existing features. Regression testing is nothing but full or partial selection of already executed test cases which are re-executed to ensure existing functionalities work fine. This testing is done to make sure that new code changes should not have side effect on the existing functionalities. It ensures that old code still work once new code changes are done. Next need of regression testing. Dekh hain. First need is change is the requirements and code is modified according to the requirement. New features is added to the software defect fixing. मेंस इशू फिक्सिंग ये हमारे नीड थे रिग्रिएशन टेस्टिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द नीड एंड कैटेगरी फॉर मेंटेनेंस इन सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अदर एट्रीट्यूट और प्रोडक्ट टू मॉडिफाइड एनवॉर्मेंट देन है हमारा नीड ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स मे चेंज टू रिफ्लेक्ट द कस्टमर नीड कुछ समय के बाद अगर कस्टमर कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस चाहता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है अगर कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ जाता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है थर्ड है विथ टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस सच एज न्यू हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सो द सॉफ्टवेयर इंटरफोर्स मस्ट बी मॉडिफाइड टू एडॉप्ट न्यू इन्वायरमेंट अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं तो हमको सॉफ्टवेयर भी चेंज करना होगा तो इसलिए हमको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है नाउ द कैटेगरीज ऑफ मेंटेनेंस फर्स्ट कैटेगरी इज एडॉप्टिवेंटेनेस सेकेंड वन इज द करेक्टिव मेंटेनेंस थर्ड वन इज द परफेक्टिव प्रिवेंटिवटेन्स इन एडोप्टिवेनेंस it concern external changes in corrective maintenance refer to modification initiated by defects in the software in perfective maintenance is an activity that we undertake maintenance ability performance and other attribute of our applications in preventive maintenance this type of maintenance is done to anticipate future problems and to improve the maintenance ability using technique like documenting, commenting, or even re-implementing some parts of software using modern software engineering tools and techniques. Next question is write briefly on case tools. What are benefits and limitation of case tools? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है केस टूल आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमन प्रोग्रामर विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस एंड द आर्टिफेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स रिड्यूज द एफर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अचीविंग क्वालिटी गोल्स एंड मैनेजिंग चेंज एंड कॉन्फिग्रेशन थ्रू पुट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल

the different tools and hence reducing learning period second rta object management system different case tools represents the software product as a set of entities such as specification design test data project plan the object management system maps these logical entities into the underlying storage management system and this system is called repository and third hamara repository. The complete information about meta model methods, project, artifacts, baseline, process model is available in repository. The information can be shared by different team members efficiently, thereby improving the project management as a whole. While implementing the repository can be either centralized or distributed. Normally, this is इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ डेटा बेस और अ पाइल सिस्टम जब भी केस टूल आएगा तो ये फिगर ज़रूर बनाएंगे ये रिपोजिट्री है जहाँ पर सारी डेटा हमारी रहती है और ये ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये टूल सेट है एंड ये यूजर इंटरफेस है यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रिपोजिट्री से डेटा एक्सेस करेगा तो जब भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएगा ये फिगर आप ज़रूर बनाएंगे तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहे हैं देन उसके लिए गुड लक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कंप्यूटर नेटवर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम एंड वेब टेक्नोलॉजी के मॉडल पेपर का लिंक पोस्ट कर रखा है अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और यूजफुल वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो